हे एवरी वन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और आज हम लोग बात करेंगे ओव्यूल्स की, उसके टाइप्स की, मेगा स्पोरोजेनेसिस की, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की और साथ में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इफेक्टिव क्लास है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्विक रिविज़न भी हो जाएगा एम्ब्रियोलॉजी का। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी क्लास अपलोड करूं तो आप लोग उसे तुरंत देख सकें। ठीक है, और क्योंकि ये फ्री कोर्स चल रहा है और साथ में आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, तो जो लोग नए हैं वो लोग टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं जो भी आपकी क्लासेस लूँ और उसका PDF जब मैं वहाँ पर अपलोड करूँ तो आप लोग उसे डाउनलोड कर सकें। ठीक है, तो टेलीग्राम का डिस्कशन लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। हम बात करते हैं सबसे पहले कि ओव्यूल क्या होता है। ठीक है, ओव्यूल आप सबने देखा होगा। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको ओव्यूल क्या होता है। हम लोग बात कर रहे हैं आज ओव्यूल की और जितना भी प्रोसेस जो भी हम देखेंगे वो सब एंजियोस्पर्म के बारे में होगा। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म के बारे में हम बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म के बारे में नहीं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एंजियोस्पर्म के ओव्यूल के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं ओव्यूल की, जिसको मेगा स्पोरेंजियम भी कहा जाता है। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल। तो ओव्यूल क्या होता है, ये बुक की लैंग्वेज है, पढ़ देती हूँ फिर मैं आपको सिंपल समझाऊंगी। ओवरी इज द बेसल स्वॉलन पोर्शन ऑफ कार्पेल विच बियर्स वन और मोर राउंडेड और ओवल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओव्यूल्स और मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, तो आपने फ्लावर देखा होगा, फ्लावर में आपने कार्पल देखा होगा। फ्लावर में कार्पल में थ्री पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ होता है ये स्टिग्मा है, फिर होता है स्टाइल और नीचे की तरफ जो है स्वॉलन स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, जिसको ओवरी कहते हैं। ठीक है, ये ओवरी है और ओवरी के अंदर ही कुछ राउंड राउंड से या ओवल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे इस तरीके से। ठीक है, छोटे छोटे से, इसी को कहा जाता है ओव्यूल। ठीक है, या फिर मेगा स्पोरेंजिया। एक सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। अगर एक सिंगल है तो मेगा स्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल, और बहुत सारे हैं तो मेगा स्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल्स। ठीक है, तो कुछ नोट भी मैंने ऐड कर रखा है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जो ओवरी होती है फ्लावर में, ठीक है, जब वो मैच्योर होती है तो ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट में। ठीक है, जो फ्रूट हम खाते हैं वो हम ओवरी खाते हैं फ्लावर का। ठीक है, और उसमें जो बीज होता है वही होता है ओव्यूल्स। ठीक है, तो ओव्यूल्स जो है मैच्योर होने के बाद बीज में बदल जाते हैं, सीड्स में, और जो ओवरी होती है वो मैच्योर होने के बाद फ्रूट्स में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो फल होता है वो ओवरी से बनता है और जो उसके बीज होते हैं वो ओव्यूल से बने होते हैं। ठीक, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर भी ऐड कर रखी हूँ जिसमें आप देख रहे हैं ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर ये बोल सकते हैं आई थिंक ये पेरियांथ है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि पेटल है या सेपल है। ठीक है, उसके बाद ये स्टेमन्स हैं जिसमें ये ऊपर छोटे छोटे से जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एंथर है और ये रही ओवरी। ठीक है, और इस ओवरी के अंदर आप देख रहे हैं ये तीन आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे से राउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तीन जो राउंड स्ट्रक्चर है, गोल या ओवल स्ट्रक्चर, ठीक है, यही है ओव्यूल्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंजियोस्पर्म में कितने टाइप के ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, तो माइक्रोपाइल के पोजीशन के बेसिस पे ओव्यूल्स जो हैं 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल से जो चैलेजा और फ्यूनिकुलस का रिलेशनशिप होता है उसके बेसिस पे और माइक्रोपाइल के पोजीशन के बेसिस पे जो ओव्यूल होता है उसको 6 टाइप का बताया गया है। पहला है एट्रोपस, दूसरा है एनाट्रोपस, थर्ड है हेमीट्रोपस, फिर है कैम्पाइलोट्रोपस, देन एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। ठीक है, तो हम वन बाय वन ये 6 टाइप के ओव्यूल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप के ओव्यूल की, जिसका नाम है एट्रोपस, जिसको ऑर्थोट्रोपस भी कहा जाता है या फिर स्ट्रेट ओव्यूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्ट्रेट ओव्यूल क्यों कहते हैं,
ये मैं बताती हूँ आपको अभी, ठीक है। तो ए ट्रॉपस जिसको ऑर्थोट्रॉपस भी कहा जाता है, याद रखेगा। और ओव्यूल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि ओव्यूल जो है किस फैमिली में या किस प्लांट में पाया जाता है, किस टाइप का ओव्यूल किस फैमिली में या किस प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए ट्रॉपस की। तो ए ट्रॉपस ओव्यूल जो है ये मोस्ट प्रिमिटिव है, ठीक है, मतलब सबसे पुराना जो प्लांट्स में जो फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, सबसे पहले जो ओव्यूल बना था वो ए ट्रॉपस टाइप का ही था। अब क्योंकि जो सबसे पुराना होता है वो सबसे सिंपल होता है, ठीक है, समय के साथ साथ इवोल्यूशन जब बढ़ता जाता है, इवोल्यूशन जब होता है, ठीक है, चीज़ें इवॉल्व होती हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, ठीक है। तो जो सबसे पुराना है वो सबसे सिंपल होगा और जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल है एट्रॉपस, तो ये सबसे ज़्यादा सिंपल होगा, ठीक है, सिंपलेस्ट ओव्यूल है और प्रिमिटिव है, ठीक। उसके अलावा इरेक्ट एंड हैव माइक्रोपाइल चैलेजा एंड फ्यूनिकुलस इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये इरेक्ट होता है इसीलिए इसको स्ट्रेट ओव्यूल भी कहा जाता है, मतलब इस तरीके का, ठीक है, एकदम स्ट्रेट होता है इसीलिए इसको इरेक्ट या स्ट्रेट ओव्यूल कहा जाता है। और इसमें माइक्रोपाइल चैलेजा और फ्यूनिकुलस तीनों जो हैं एक ही लाइन में होंगे, ठीक है, माइक्रोपाइल होगा, चैलेजा होगा, फ्यूनिकुलस होगा, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं। और ये किस फैमिली में पाया जाता है, पॉलीगोनेसी में और पिपरेसी में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ए ट्रॉपस ओव्यूल जो है पॉलीगोनेसी में और पिपरेसी फैमिली में पाया जाता है। ये इसका डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यही है माइक्रोपाइल, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, माइक्रोपाइल ये है, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इस ओपन स्ट्रक्चर से ही जो मेल गैमिट होता है वो अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो इस रीजन को कहते हैं, इस रीजन को माइक्रोपाइल, ठीक है। उसके बाद ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा ओवल स्ट्रक्चर, ये है एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। उसके बाहर जो स्ट्रक्चर होता है इसको, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं न्यूसेलस, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको न्यूसेलस कहते हैं। और माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट साइड में यहाँ पे चैलेजा है, ठीक है, ये चैलेजा है, ठीक। उसके बाद ये पूरे एम्ब्रियो सैक को कवर करके रखता है इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स की दो लेयर दिख रही हैं, ये इंटेग्यूमेंट्स है जिसको कवर करके रखती हैं। और ओव्यूल का जो स्टॉक होता है उसी को कहते हैं फ्यूनिकल या फिर फ्यूनिकुलस, ठीक है। ये हो गया सबसे सिंपल टाइप का ओव्यूल जिसको ऑर्थोट्रॉपस या फिर ए ट्रॉपस ओव्यूल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की जिसका नाम है एनाट्रॉपस या फिर इन्वर्टेड ओव्यूल, ठीक है। वहाँ पे स्ट्रेट ओव्यूल था ए ट्रॉपस क्योंकि वो इस तरीके से एकदम स्ट्रेट था, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड हो गया, इसका मतलब ओव्यूल की जो बॉडी होगी वो इन्वर्ट हो जाएगी, मतलब इस तरीके से, ठीक है, उल्टी हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, मैं ठीक से बनाई नहीं हूँ, इस तरीके से होगा, ओफो, इस तरीके से, ठीक है, इन्वर्ट हो जाएगा। और ए ट्रॉपस में कैसा था, ऐसा था, एकदम स्ट्रेट, थोड़ा टेढ़ा है, स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, ये एनाट्रॉपस है जो कि इन्वर्टेड ओव्यूल है। और इस ओव्यूल की खास बात ये होती है कि ये मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल है। अब मोस्ट कॉमन मतलब क्या हो गया कि ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एनाट्रॉपस ओव्यूल ही देखने को मिलेगा आपको। मैंने फैमिली पढ़ाई आपको डाइकॉट की और मोनोकॉट की भी, तो आपने देखा होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा तो जितने भी प्लांट्स में मैंने ओव्यूल के बारे में बताया वो सब एनाट्रॉपस ही थे, ठीक है। जितने भी प्लांट्स में ओव्यूल बताई सब एनाट्रॉपस टाइप के ओव्यूल्स पाए जा रहे थे उन फैमिलीज़ में, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल है एनाट्रॉपस जो कि एंजियोस्पर्म की लगभग 82% फैमिलीज़ में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन टाइप का है, ठीक। अब बात करते हैं ओव्यूल की बॉडी की, तो बॉडी गेट्स इन्वर्टेड एंड माइक्रोपाइल इज ऑन लोअर साइड, ठीक है। ओव्यूल की बॉडी मैंने बताया इन्वर्ट होता है इस तरीके से, और जो माइक्रोपाइल होता है वो यहाँ पे लोअर साइड में होता है, ठीक है। डायग्राम देखिए, ये पूरा का पूरा ओव्यूल जो है इन्वर्ट हो गया है, ठीक है, और माइक्रोपाइल जो है लोअर साइड में, यहाँ पे ये माइक्रोपाइल है, ठीक है, लोअर साइड में। और ये है एम्ब्रियो सैक, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट, उसके बाहर है न्यूसेलस जो कि इसको कवर करके रखा है। इस माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड में ये रहा चैलेजा, एंड देन बाहर से जो लेयर है वो है इंटेग्यूमेंट्स, ठीक। और ओव्यूल का स्टॉक जो है फ्यूनिकल या फिर फ्यूनिकुलस,
ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल है ये। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो है हेमी एनाट्रोपस या फिर हेमीट्रोपस। अब नाम में ही है, हेमी एनाट्रोपस मतलब एनाट्रोपस का हाफ। अब एनाट्रोपस कैसे था, एनाट्रोपस जो है इन्वर्टेड था इस तरीके से, ठीक है। तो ये हेमी एनाट्रोपस है मतलब आधा एनाट्रोपस, तो क्या हो जाएगा ये कुछ इस तरीके स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ना तो ये एकदम ही इरेक्ट होगा इस तरीके से और ना ही ये उल्टा इस तरीके से इन्वर्टेड होगा, बल्कि ये बीच में होगा इस तरीके से। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हेमी एनाट्रोपस कहते हैं या फिर हेमीट्रोपस कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो न्यूसेलस होता है और इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं राइट एंगल्स पे सिचुएटेड होते हैं फ्यूनिकुलस या स्टॉक के, ठीक है। तो फ्यूनिकुलस के राइट एंगल पे न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। और हेमी एनाट्रोपस किस फैमिली में पाया जाता है, ये रैननकुलस में पाया जाता है, जो कि रैननकुलेसी फैमिली का इंपॉर्टेंट मेंबर है, ठीक है। रैननकुलस में हेमीट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है और प्रिमुलेसी फैमिली में भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखना है आपको, ये देखिए मैंने बताया हेमी एनाट्रोपस, नाम से ही पता चल रहा है कि हाफ हो जाएगा एनाट्रोपस का, क्योंकि वो उल्टा था इस तरीके से, कैसे बनेगा ऐसे, ठीक है, उल्टा था, तो ये क्या हो जाएगा इसका हाफ इस तरीके से, ठीक। सेम चीज़ें हैं, बीच में ये एम्ब्रियो सैक दिख रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट, उसके बाहर है न्यूसेलस, ठीक, उसके बाहर है इंटेग्यूमेंट्स, ये है माइक्रोपाइल जहाँ से मेल गैमेट एंटर करता है, अपोजिट साइड में है चैलेजा और ये है फ्यूनिकल, ठीक है, स्टॉक। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप की, जो कि है कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो इस ओव्यूल का जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, कर्व हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, कर्व हो जाता है, एंड माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है। ओव्यूल की बॉडी जो है कर्व हो जाएगी, थोड़ी इस तरीके से मुड़ जाएगी, ठीक है, और माइक्रोपाइल जो होगा नीचे की तरफ होगा ओव्यूल के। ये किस में पाया जाता है, ये जो है कैम्पाइलोट्रोपस जो है पाया जाता है तीन फैमिली में, ब्रेसिकेसी, कैपरिडेसी और चिनोपोडियेसी। अब आप जानते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली को क्रूसीफेरी भी कहा जाता है, ठीक है, तो क्रूसीफेरी शुरू होता है सी से, कैपरिडेसी भी सी से और चिनोपोडियेसी भी सी से शुरू हो रहा है और कैम्पाइलोट्रोपस भी सी से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल के लिए C3 रूल, ठीक है, ये ट्रिक है, C3 रूल आप याद रखेंगे कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल के लिए, तो अगर क्वेश्चन आता है कि ये किस फैमिली में पाया जाता है तो आप बता पाएंगे C3 रूल से, ठीक है। सी से क्या हो जाएगा, पहले सी से हो जाएगा क्रूसीफेरी, जिसको ब्रेसिकेसी भी कहा जाता है, दूसरा सी हो जाएगा कैपरिडेसी, तीसरा हो जाएगा चिनोपोडियेसी, ठीक है। तो कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल इन तीनों फैमिली में जो कि सी से शुरू हो रही है उनमें पाया जाता है, तो आपको आसानी से याद रहेगा। इसका डायग्राम देखते हैं, तो ये आप देख रहे हैं बॉडी जो है थोड़ी कर्व हो जाती है, ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ी सी कर्व हो गई है ये इस तरीके से, ठीक। और जो माइक्रोपाइल है ये डाउनवर्ड में है, मतलब नीचे की तरफ यहाँ पे पाया जा रहा है। उसके अलावा बाकी सारे स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं, न्यूसेलस है, एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, बाहर इंटेग्यूमेंट्स पाए जा रहे हैं और ये स्टॉक है फ्यूनिकल, ठीक है, और चले जा। अब बात करते हैं हम फिफ्थ की, जो कि है एम्फीट्रोपस। एम्फी मीन्स होता है बोथ, ठीक है, तो कुछ तो होगा जो दो होगा, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि एम्फीट्रोपस है मतलब एम्फी मीन्स होता है बोथ, तो कुछ तो होगा जो दो होगा, तो अब देखते हैं कि क्या है दो। हेयर कर्वेचर इज ऑब्जर्व बोथ इन द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्फी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होंगे दो, पिछले वाले में हमने कैम्पाइलोट्रोपस में देखा कि ओव्यूल की जो बॉडी थी केवल उसमें कर्वेचर था, वो कर्व था, लेकिन जो एम्ब्रियो सैक था वो नॉर्मल था। लेकिन एम्फीट्रोपस में क्या हो जाएगा, कर्वेचर जो है ओव्यूल की बॉडी में भी दिखेगा, साथ ही साथ एम्ब्रियो सैक में भी दिखेगा, इसीलिए इसको कहते हैं एम्फीट्रोपस, ठीक है। तो ओव्यूल भी कर्व होगा और साथ ही उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक होगा वो भी थोड़ा सा कर्व होगा, थोड़ा मुड़ा हुआ होगा, ठीक है। और एम्फीट्रोपस की खास बात ये होती है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कि जो एम्ब्रियो सैक होता है वो अज्यूम किया जाता है हॉर्स शू सैप का, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक जो है वो देखने में कुछ हॉर्स शू सैप में दिखाई देता है, जिसको हिंदी में कहें तो घोड़े की जो नाल होती है, अगर आपने देखी होगी तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है घोड़े के नाल का, ठीक है। इंग्लिश में हॉर्स शू कहते हैं उसको, हॉर्स शू शेप, ठीक है, शेप जो है हॉर्स शू शेप है।
ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक एम्फीट्रॉपस का जो होता है वो हॉर्स शू शेप का होता है, ठीक है, जहाँ से पूछे जाते क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए एम्फीट्रॉपस में हॉर्स शू शेप का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। अब ये किस फैमिली में होता है, पेपावरेसी फैमिली में एम्फीट्रॉपस ओव्यूल देखने को मिलता है और एलिसमेसी फैमिली में, ठीक है, तो इन दोनों फैमिली में एम्फीट्रॉपस ओव्यूल पाया जाता है। ये देखिए बॉडी भी कर्व है, ठीक है, ये इस तरीके से थोड़ी सी कर्वेचर बॉडी है ओव्यूल की, और ये रहा एम्ब्रियो सैक, आप देख रहे हैं एम्ब्रियो सैक भी थोड़ा सा इस तरीके से कर्व हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ गया है, तो इसी मुड़े हुए स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं कि एम्ब्रियो सैक जो है हॉर्स शू शेप में दिखाई देता है, ठीक है, ये खास बात है एम्फीट्रॉपस ओव्यूल की, जो कि पेपावरेसी और एलिसमेसी फैमिली में पाया जाता है, ठीक है, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स आप जानते हैं। लास्ट टाइप है ओव्यूल का सर्सिनोट्रॉपस ओव्यूल, ये कैरेक्टरिस्टिक है कैक्टेसी फैमिली का, ठीक है, सर्सिनोट्रॉपस ओव्यूल कैक्टेसी फैमिली में पाया जाता है, ठीक है, कैक्टस की फैमिली में या ओपुंटिया की फैमिली में, ठीक है। हेयर द ओव्यूल इज स्ट्रेट ड्यू टू मोर ग्रोथ ऑन वन साइड ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल गेट्स इन्वर्टेड, ठीक है, तो सर्सिनोट्रॉपस ओव्यूल जो होता है वो होता तो स्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन ओव्यूल में अगर ये ओव्यूल है, ठीक है, तो इसमें एक साइड में ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है और दूसरे साइड में कम ग्रोथ होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो इन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, होता स्ट्रेट है लेकिन ओव्यूल में एक साइड में ज़्यादा ग्रोथ होगी और दूसरे साइड में कम ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो इन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इस ओव्यूल का कि जो फ्यूनिकुलस होता है, जिसको फ्यूनिकल या फिर स्टॉक कहते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, टेक्स अ कंप्लीट राउंड अराउंड द बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है, ये फ्यूनिकुलस क्या करता है, इस ओव्यूल की पूरी बॉडी के ऊपर से चारों तरफ से इसको कवर कर लेता है इस तरीके से, ठीक है, ये ओव्यूल है, ठीक, फिर से देखिए, ये अगर ओव्यूल है तो जो फ्यूनिकुलस होता है जो कि स्टॉक है, ठीक है, ये इस तरीके से पूरा इसको कवर कर लेता है, ठीक है, इसके चारों तरफ से इसको कवर कर लेता है, ये खास बात होती है इस सर्सिनोट्रॉपस ओव्यूल की, जो कि कैक्टेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। ये देखिए ओव्यूल है, एक तरफ ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से ये इन्वर्ट हो गया है, ठीक है, और ये रहा फ्यूनिकल, जो कि क्या कर रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से शुरू होके पूरे ओव्यूल को कवर करके रख रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से पूरे ओव्यूल को कवर कर रहा है, ये है खास बात इस सर्सिनोट्रॉपस ओव्यूल की, ठीक है, बाकी चीज़ें नॉर्मल है, ये एम्ब्रियो सैक इंटेग्यूमेंट्स है, ठीक है, न्यूसेलस है, चैलेजा है, सब कुछ नॉर्मल है, बस डिफरेंस इतना ही है कि फ्यूनिकल जो होता है वो कवर करके रखता है पूरे ओव्यूल को, ठीक है, तो ये सर्सिनोट्रॉपस ओव्यूल है, कैक्टेसी फैमिली का इंपॉर्टेंट फीचर है। अब हम बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है, तो मेगा स्पोर, यहाँ पे अगर आप इस वर्ड को तोड़ दें तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या हो जाएगा, मेगा स्पोर प्लस जेनेसिस, मतलब मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, ठीक है, सिंपली मेगा स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है उसी को बोला जाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल और मेगा स्पोरोसाइट इनसाइड द मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, जो मैंने बताया वही बात है, ठीक है, कि मेगा स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है मेगा स्पोरोसाइट से उसी को कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। थोड़ा डिटेल में अगर बात करें तो ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल को बोला जा रहा है मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, ओव्यूल के अंदर होता है मेगा स्पोरोसाइट और इस मेगा स्पोरोसाइट से ही मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को ही कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, और प्लॉइडी भी मेंशन किया है मैंने, तो मेगा स्पोर जो हैं ये हैप्लॉयड हैं एन के फॉर्म में, ठीक है, जबकि मेगा स्पोरोसाइट, अगर मेगा स्पोर मदर सेल दे या फिर मेगा स्पोरोसाइट, दोनों एक ही है, ठीक है, दो डिफरेंट नेम है इसके लेकिन बात वही होगी, ठीक है, तो मेगा स्पोर मदर सेल दे या फिर मेगा स्पोरोसाइट दे, बात एक ही है, दोनों से ही मेगा स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, जैसे एक इंसान के दो नाम हो सकते हैं उसी तरीके से मेगा स्पोरोसाइट का भी एक और नाम है मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होता है और इससे बनता है मेगा स्पोर जो कि हैप्लॉयड है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, डायग्राम से समझते पूरा प्रोसेस। ये एक टिपिकल फ्लावर है, ठीक है, और ये स्टेमन्स है, आप देख रहे हैं ये कई सारे स्टेमन्स हैं और ये है इसका फीमेल पोर्शन, ठीक है, फीमेल पार्ट जिसमें
ये पूरा जो है फीमेल पार्ट है, ये ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर है ओव्यूल्स, ठीक है, और ओव्यूल के अंदर होता है मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको मेगा स्पोरोसाइट कहा जाता है, और ये होता है डिप्लॉयड, ठीक है, ये ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स के अंदर होगा मेगा स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, ठीक। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में मेयोसिस होता है, और मेयोसिस आप जानते हैं दो फेज में कंप्लीट होता है, मेयोसिस वन एंड मेयोसिस टू, ठीक है। तो मेगा स्पोर मदर सेल में मेयोसिस होता है, और मेयोसिस रिडक्शन डिवीजन है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये डिप्लॉयड है, अब इससे जो सेल्स बनेंगे वो हैप्लॉयड होंगे, ठीक है। तो मेगा स्पोर मदर सेल से चार हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं, ठीक है, और क्योंकि ये फीमेल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये जो चार हैप्लॉयड सेल्स बने हैं, इसमें से तीन सेल जो होते हैं ना, ये एक दो तीन चार, आप देख रहे हैं चार है, इसमें से तीन सेल्स जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, और केवल एक ही सेल बचता है जो कि फंक्शनल होता है, ठीक है, तीन डीजनरेट हो जाते हैं और केवल एक बचता है जो कि फंक्शनल मेगा स्पोर होता है, ठीक है। और मैं ये भी बता दूँ कि ये जो तीन सेल्स जो डीजनरेट हुए हैं, ठीक है, इसमें चारों में से कोई भी तीन सेल डीजनरेट हो जाते हैं, और डीजनरेट होकर के ये एक फंक्शनल जो मेगा स्पोर बचता है उसको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, ताकि इसका डेवलपमेंट और अच्छे से हो सके, इनलार्ज हो सके ये, ठीक है। तो ये फंक्शनल मेगा स्पोर के लिए खुद को सेक्रीफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इस मेगा स्पोर में, ये जो एक सिंगल मेगा स्पोर बचा है, इसमें तीन बार माइटोसिस होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी बार माइटोसिस होती है, तो आप याद रखिएगा जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है उसमें तीन बार माइटोसिस होती है, आप देख रहे हैं एक बार, दो बार और तीन बार, ठीक है। तो क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है माइटोसिस, ये एक सेल है, एक बार माइटोसिस हुई, दो सेल बने, एक से दो, फिर होगा तो चार बनेंगे, ठीक है, फिर होगा तो आठ बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तीन बार एक माइटोसिस, दो माइटोसिस, तीन माइटोसिस, तीन बार माइटोसिस होती है इस मेगा स्पोर में, जिससे कि आठ न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस तो हो रही है, लेकिन केवल न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए इस मेगा स्पोर में आठ न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसको बोला जा रहा है मेगा गैमेटोफाइट या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। उसके बाद इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, जिससे ये कई सारे सेल्स में न्यूक्लियस बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब तीन माइटोसिस हो रहा होता है, तब इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है, केवल कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, जिससे एक न्यूक्लियस यहाँ पे है और तीन बार माइटोसिस के बाद आठ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको मेगा गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है। या फिर जब इसमें साइटोकाइनेसिस हो जाती है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाता है, तब ये एम्ब्रियो सैक कहलाता है, ठीक है। और डिटेल में हम बात करते हैं जो कि मेगा गैमेटोजेनेसिस में आएगा, ठीक है, जिसमें हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बात करेंगे। तो द न्यूक्लियस ऑफ मेगा स्पोर अंडरगोस डिविजन्स एंड गिव राइज टू एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, विच इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मेगा गैमेट का फॉर्मेशन, मतलब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को ही कहा जा रहा है मेगा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें जो मेगा स्पोर है उसका जो न्यूक्लियस है वो कई बार डिवीजन करता है, आपने देखा तीन बार माइटोसिस हुआ था, उसके बाद जा करके एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट बना था, और इसी प्रोसेस को मेगा गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। ये है फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर, जो कि मैं ऐड की हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो तीन बार माइटोसिस के बाद आठ सेल का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो आठ सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं आठ न्यूक्लियस है, तो उसमें से तीन सेल जो होते हैं, तीन न्यूक्लियस, वो चले जाते हैं चैलेजल एंड पे, ये चैलेजल एंड है, मतलब जहाँ पे चैलेजा था उसको चैलेजल एंड कहेंगे, और उसके अपोजिट साइड में जहाँ पे माइक्रोपाइल था उसको माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। तो तीन सेल जो होते हैं वो चैलेजल एंड पे जाके सिचुएटेड होते हैं, जिनको एंटीपोडल सेल कहा जाता है, ठीक है, इन तीनों सेल्स को एंटीपोडल सेल्स कहा जाएगा, और तीन सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पे अरेंज होते हैं, जिनको कहा जाता है, जिसमें से दो सेल को कहते हैं सिनर्जिड, और एक सेल जो होता है उसको कहा जाता है एग सेल, ठीक है। और दो सेल्स जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं, और वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और फ्यूज़ करके एक सेल बन जाते हैं, ठीक है। दो सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं और एक सेल में चेंज हो जाते हैं,
ठीक है, जो थोड़े लार्ज हो जाते हैं, और इनको कहा जाता है सेंट्रल सेल या फिर पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, इसे ज़्यादा मैं आपको आगे बताऊंगी ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाए, अगर यहाँ पे बताऊंगी तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर प्लस जेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलिन्स इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, पॉलिन्स या फिर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन ही कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ईच एंथर हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर और पॉलिन चैम्बर्स। ठीक है, तो स्टेमन आपने देखा, स्टेमन में क्या था, ये फिलामेंट था और ऊपर क्या था, एंथर। ठीक है, ये हो गया स्टेमन का स्ट्रक्चर, तो ये है एंथर। ठीक है, और प्रत्येक एंथर के अंदर, ठीक है, स्टेमन आप जानते हैं मेल पार्ट है। ठीक है, तो इस एंथर के अंदर, प्रत्येक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही माइक्रोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स या पॉलेंस होते हैं, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया को पॉलन सैक या पॉलन चैम्बर भी कहा जाता है। तो प्रत्येक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या 4 पॉलन चैम्बर होते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा मुझे डायग्राम नहीं मिला गूगल पे, जिसकी वजह से मुझे ये लगाना पड़ा। ठीक है, और इस डायग्राम में एक मिस्टेक है जो मैं अभी आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे ना हो करके यहाँ पे होगा। ठीक है, ये पहला होगा, फिर ये दूसरा होगा, ठीक है, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर ये चलता जाएगा, बाकी सब ठीक है, बस ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ होगा। ठीक है, इसलिए मैं एक और डायग्राम लगा रखी हूँ, लेकिन जब मैं आपको ये समझा लूँगी उसके बाद हम फर्दर उस पर प्रोसीड करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एंथर का क्रॉस सेक्शन है जो कि यहाँ पे होगा, उसके बाद सारा प्रोसेस सही है। तो शुरू करते हैं, ये एक टिपिकल फ्लावर है। ठीक है, और ये है स्टेमन्स, जिसमें ये आप छोटे छोटे डॉट्स डॉट्स देख रहे हैं। ठीक है, छोटे डॉट्स हैं ब्लैक कलर के, ये है एंथर। ठीक है, तो एंथर का क्रॉस सेक्शन किया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये एंथर का क्रॉस सेक्शन किया गया है, एंथर को बीच से काट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पॉलन सैक दिखाया गया है, ये पॉलन सैक्स हैं। तो एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर 4 पॉलन चैम्बर होता है। ठीक, अब इस पॉलन चैम्बर के अंदर ही या माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होता है माइक्रोस्पोरोसाइट, जैसे फीमेल के कंडीशन में मेगास्पोरोसाइट था या मेगास्पोर मदर सेल था, उसी तरीके से यहाँ पे होगा माइक्रोस्पोरोसाइट या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये भी कैसा होगा, डिप्लॉयड। ठीक है, ये भी डिप्लॉयड, मतलब 2n कंडीशन में होगा माइक्रोस्पोरोसाइट। अब इसमें होगा मेयोसिस, जैसे कि फीमेल के केस में हो रहा था, मेयोसिस होगा एक बार, जिसकी वजह से ये माइक्रोस्पोरोसाइट जो है 4 हैप्लॉयड सेल में डिवाइड होगा। ठीक है, एक बार मेयोसिस हुई जिससे एक माइक्रोस्पोरोसाइट से 4 हैप्लॉयड सेल्स बने। अब प्रत्येक सेल जो है इसको कहा जाएगा माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो 4 माइक्रोस्पोर बने जो कि हैप्लॉयड हैं। ठीक, अब प्रत्येक माइक्रोस्पोर्स में एक बार माइटोसिस होगा। ठीक है, फीमेल के केस में 3 बार माइटोसिस हो रहा था, पर यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रत्येक माइक्रोस्पोर जो है वो नॉर्मल होगा, फंक्शनल होगा। फीमेल के केस में क्या था कि 3 जो है डीजनरेट हो रहे थे और केवल एक फंक्शनल था, लेकिन यहाँ पे जो चारों माइक्रोस्पोर्स बनेंगे मेयोसिस के बाद में, वो सब जो है फंक्शनल होंगे, सब नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो अगर प्रत्येक माइक्रोस्पोर की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक बार माइटोसिस होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं, एक बार जो है यहाँ पे माइटोसिस होगा, एक बार माइटोसिस होगा, जिससे क्या होगा, एक सेल जो है 2 सेल में डिवाइड होगी, और ये जो माइटोसिस होता है ये अनइक्वल होता है। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से एक लार्ज सेल बनता है और एक स्मॉल सेल बनता है। ठीक है, एक सेल बड़ा हो जाएगा और दूसरा जो है छोटा होगा, क्योंकि माइटोसिस जो है अनइक्वल होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो छोटा वाला सेल बनता है उसको कहते हैं जेनरेटिव सेल, और जो लार्ज सेल होता है उसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगले वाले डायग्राम में। तो आप देख सकते हैं, मैं फिर से बताती हूँ, ये एक फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर में एंथर है, एंथर का क्रॉस सेक्शन किया गया, काटा गया, इसके अंदर आपको ये पॉलन सैक्स से कई सारे 4 पॉलन चैम्बर दिख रहा है,
और प्रत्येक पॉलन चैम्बर में माइक्रोस्पोरोसाइट्स होते हैं जो कि डिप्लॉयड हैं, ठीक है। इसमें होगी मेओसिस, ठीक है, ये मेओसिस हो रहा है। एक बार माइक्रोस्पोरोसाइट में मेओसिस हुआ जिससे चार माइक्रोस्पोर्स बने। अब प्रत्येक माइक्रोस्पोर में एक बार माइटोसिस होगा, ठीक है, एक बार माइटोसिस होगा, एक माइक्रोस्पोर में एक बार माइटोसिस होगा जिससे दो सेल बनेंगे, एक सेल से दो सेल बनेंगे, ठीक है। तो अनइक्वल डिवीजन होता है जिसमें क्या होता है कि एक छोटा सेल बनता है और दूसरा बड़ा सेल बनता है, ठीक है। अगर ये सेल है तो इसमें एक छोटा भाग होगा, एक छोटा सेल बनेगा और दूसरा बड़ा। तो जो छोटा वाला होता है उसको कहते हैं जेनरेटिव सेल और जो बड़ा वाला होता है उसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ इसको। आप देख रहे हैं ये एक सिंगल माइक्रोस्पोर है, ठीक है, जिसमें बाहर की जो वॉल है उसको एग्जाइन कहा जा रहा है, ठीक है, और उसके अंदर वाली जो वॉल है, अंदर की जो वॉल है, मैं फिर से समझाती हूँ, ये आप देख रहे हैं बाहर की जो वॉल है उसको एग्जाइन कहा जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर वाली जो वॉल है उसको इंटाइन कहा जा रहा है, ठीक। उसके बाद ये है माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस, ठीक। तो ये एक सिंगल माइक्रोस्पोर है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप ये होगा कि इसमें एक बार माइटोसिस होगा, ठीक है। जब माइटोसिस होगा तो अनइक्वल डिवीजन होता है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये वाला जो है लार्ज है सेल और दूसरा वाला जो है ये काफ़ी स्मॉल है, ठीक है। दो सेल बने, एक लार्ज और एक स्मॉल। तो ये जो स्मॉल वाला सेल बनता है इसी को कहते हैं हम जेनरेटिव सेल, और जो लार्ज सेल बनता है उसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो जेनरेटिव सेल है उसमें हो रहा है डिवीज़न, ठीक है, डिवाइडिंग जेनरेटिव सेल। तो जेनरेटिव सेल में एक बार डिवीज़न होता है, माइटोसिस होता है, जिससे एक जेनरेटिव सेल जो है, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और जो ये वेजिटेटिव सेल होता है ये आगे चल के क्या करता है, ये बनाता है पॉलन ट्यूब, और ये जो जेनरेटिव सेल थे ये एक बार डिवाइड करके दो सेल बनाते हैं, ठीक है, ये दो सेल बनाते हैं और ये दोनों सेल्स जो हैं ये दो मेल गैमिट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्या हो गया कि माइक्रोस्पोर है, एक बार माइटोसिस होगी जिससे दो सेल बनेंगे, छोटे सेल को हम क्या कहेंगे, जेनरेटिव सेल, और लार्ज वाले सेल को कहेंगे वेजिटेटिव सेल, और ये जेनरेटिव सेल में एक बार फिर डिवीज़न होता है जिससे ये दो मेल गैमिट बनाता है, जबकि वेजिटेटिव सेल जो होता है इसमें जो है कई बार माइटोसिस होकर के ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। ये आप देख रहे हैं ये जो लार्ज स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से इलॉन्गेटेड, यही है पॉलन ट्यूब, ठीक है। इसमें ग्रोथ होती है और दो मेल गैमिट्स हैं जो कि क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए ये है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। अब मैंने आपको बता दिया कि जो दो मेल गैमिट बने थे अब उनका क्या काम होगा, मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो जो दो मेल गैमिट होते हैं वो अब इस माइक्रोपाइलर एंड के पास आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आएंगे दोनों मेल गैमिट, ठीक है, और इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। तो उसमें से एक मेल गैमिट जो है वो फ्यूज़ करेगा इस एक सेल के साथ, ठीक है, इस एक सेल के साथ फ्यूज़ करता है, ठीक, ये है एक सेल जिसके साथ एक मेल गैमिट फ्यूज़ करेगा, और दूसरा मेल जो गैमिट होता है वो अंदर यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाता है इस सेंट्रल सेल के पास, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो क्या हो गया, दो मेल गैमिट थे, एक मेल गैमिट जो था उसने फीमेल ये एक सेल के साथ फ्यूज़ किया और जाइगोट बना लिया, ठीक है, और जो दूसरा वाला मेल गैमिट है वो इस सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है और ये बनाता है एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक। तो कुल मिला के क्या हो गया, दो मेल गैमिट थे, एक मेल गैमिट ने एक सेल के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट बनाया और दूसरा मेल गैमिट इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करके एंडोस्पर्म बनाया। अब आप सोचेंगे कि ये जो सेल्स हैं इनका क्या हुआ, ये डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, एंटीपोडल सेल भी आगे डीजनरेट हो जाएगा और ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं ये भी डीजनरेट हो जाते हैं, बचता है केवल एक सेल और ये पोलर न्यूक्लियाई। अब इनकी प्लॉयडी भी बता दूं कि ये जो एक सेल है ये हैप्लॉयड है, ठीक है, ये सब भी हैप्लॉयड्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं दो न्यूक्लियस है, मतलब दो हैप्लॉयड सेल्स जो थे एक साथ फ्यूज़ किए और जो है डिप्लॉयड बन गए, ये एन और एन, एन प्लस एन हो गया 2N। तो ये पहले से 2N के फॉर्म में था और जब मेल गैमिट आया तो मेल गैमिट भी N के फॉर्म में था, ठीक है, तो ये 2N प्लस N,
ठीक है, ये मेल का एन और ये पोलर न्यूक्लियाई का 2N मिलकर के कितने हो गए, 3N। तो इस तरीके से जो एंडोस्पर्म बनता है फ्यूजन के बाद वो ट्रिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में जो हैप्लॉयड एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉयड कंडीशन में होता है, जो कि क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म का प्लॉयडी आप याद रखिएगा, ट्रिप्लॉयड होता है, और वो कैसे ट्रिप्लॉयड होता है ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। और दूसरा वाला मेल गैमेट जो एक सेल के साथ फ्यूज करता है, तो मेल गैमेट भी एन था और ये एक सेल भी एन था, तो एन प्लस एन मिलकर हो जाएगा 2N। तो जो डाइगोट बनता है वो होता है डिप्लॉयड 2N। ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।